आता अम्माजी ने का केलं काय केलं हे उघडत बसण्यात काय अर्थ आहे? अगो पण आजी खूप उशीर झालाय, झोपूया ना आता। तूही शांतपणे झोप आणि उद्या भरपूर काम आहेत ना, सरला भाभी नाही आहेत, मलाच सगळं करायचं आहे। झोप झोप तू। गौरी म्हणजे ना हिला सगळ्यातच चांगला दिसता। सरू सारख्या बोळी, पण मी त्या हम्माक चांगलंच ओळखला। सरूला हाय सर तिने उगीच नाही बोलावलेला, नक्कीच तिचा काहीतरी डावा। हम्मा नक्कीच काहीतरी तमाशा करतली, माहितीये माका। अम्माजी त्योहार आते तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ढेर सारे गिफ्ट, मिठाई, कपड़े और सबसे मिलना भी हो जाता है। हाँ सो तो है, लेकिन अम्मा जी सरला भाभी नहीं है तो घर बहुत सूना लग रहा है ना। हाँ लेकिन क्या करें, बहू को रक्षाबंधन में उसके मायके भेजना पड़ता है। वैसे अगर हमें जल्दी याद आ जाता तो तुम भी मुंबई में अपने मायके में होती, हम अपने भाई के पास। कोई बात नहीं अम्मा जी, दादा तो आ रहा है ना। सो तो है गौरी, अच्छा हुआ हमें जल्दी याद आ गया कि हमारे यहाँ राखी जन्माष्टमी तक मनाई जाती है, इसीलिए तो हमने झट से नची को फोन कर दिया ताकि तुम्हारा भी ये पहला त्योहार अच्छी तरीके से मन जाए। और हाँ गौरी, हमने उर्मिला को भी दोबारा से बुलवाया है ताकि वो भी तुम्हारे आई बाबा और नची दादा से मिल ले। अम्मा, 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 अम्मा के 100 साल लंबी उम्र है हमारी बिटिया की, अभी तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई। अम्मा कुछ खास बात है क्या, मतलब आपने हमें इतनी जल्दी वापस क्यों बुला लिया? खास बात तो है,